हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का क्रेजी फॉर फिजिक्स में। और आज हम करने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। यस भाई, कहीं कोई सा भी एग्जाम अगर फिजिक्स से रिलेटेड सवाल आता है ट्वेल्थ क्लास का, ठीक है, या ट्वेल्थ के बेसिस पे जो भी सिलेबस है, ठीक है, उस बेसिस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्ज का कोई सिलेबस के अंदर टॉपिक है, कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे दुनिया का मैं कह रहा हूं बल्कि इवन, ठीक है, इवन कोई सा भी एग्जाम, स्टेट बोर्ड, सीबीएसई, सीयूईटी, जेईई और नीट जैसे एग्जामों में सबसे फेवरेट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से एक टॉपिक आज जो हम कवर करेंगे वो है, ठीक है। और ये वन ऑफ द एक फंडामेंटल लॉ भी है फिजिक्स के अंदर, और ये भी हम देखेंगे। तो भाई लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसके बाद आपका इसमें और कोई टॉपिक नहीं बचता इसके अंदर। और अगर आप एडवांस करना चाहते तो कर सकते हो, ठीक है, अदरवाइज आपका जेई, नीट और जो सीबीएसई के लेवल, स्टेट बोर्ड के लेवल तक के जो भी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, जो भी कॉन्सेप्ट थ्योरी है वो आज कवर अप हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या है टॉपिक, जानते हैं इसके बारे में, और बहुत सारी बेसिक कॉन्सेप्ट, मिस कॉन्सेप्ट जो आप लोगों के हैं इससे रिलेटेड, जो कंफ्यूजन है वो सब दूर हो जाएगी। तो भाई टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, ठीक है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, यूनिट क्या है, ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, और इसके जो कुछ बेसिक जो चौंचले हैं यानी ये कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वो सब हम डिस्कस करते हैं। तो भाई स्टार्ट तो होगा, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम जानेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, पहले हम ये जानते हैं, है ना, कि भाई इसका मतलब क्या है। देखो सिंपल सी बात है, अगर फिजिक्स में आप कोई भी चीज अगर समझते हो तो उसका मीनिंग समझिए, उसकी डेफिनेशन देखो पहले। भाई डेफिनेशन से ही सारी चीजें स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या, जो एग्जाम में आपको बतानी पड़ती है, लिखनी पड़ती है, और बिल्कुल साइंटिफिक आपको होना पड़ता है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन जानेंगे। हाँ, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, इसी का एक एनालोगस हम पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म में, ठीक है ना, जब हम फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जिक्र होगा। जी हाँ, बिल्कुल जिक्र होगा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर है वहां पे भी इसी तरीके का, हम जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं कह सकते, हम वहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो मैग्नेटिज्म में भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जैसा एनालोगस होगा, ठीक है, इसी की तरह, बिल्कुल इसी का सेम डिट्टो भाई है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। ओके, वहां मैग्नेटिज्म यानी मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड होगा और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है। तो सबसे पहले भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले तो यहां से स्टार्ट करते हैं। तो भाई इसकी डेफिनेशन ये है, इट इज द मेजर ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through the surface, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन है भाई, ये इसकी क्या है, नॉर्मल सी जो बेसिक डेफिनेशन इसकी ये है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या, डेफिनेशन से ही पहले डेफिनेशन समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या, इट इज द मेजर ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या बोला, मेजर ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस। भाई एक यहां पे ये वर्ड इंपॉर्टेंट है और एक वर्ड यहां पे ये वाला इंपॉर्टेंट है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कितनी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, तो यहां पे इन दोनों वर्ड पे जो यहां पे लाइन में आ रहे दो वर्ड, ठीक है, इन्हीं पे पूरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की नींव रखी हुई है। देखो है क्या, फ्लक्स का पहले मतलब समझाता हूं, जो फ्लक्स होता है ना इसका मतलब होता है फ्लो। क्या होता है इसका मतलब, फ्लो यानी कि बहाव। ओके, क्या होता है इसका मतलब, भाव होता है भाई, यानी फील्ड लाइंस का बहाव, एक एरिया से फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का बहना, ठीक है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या उसका कितना वॉल्यूम, ठीक है, निकल रहा है उस एरिया से, उसे हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल रहे हैं। लेकिन माई डियर फ्रेंड एंड माई डियर स्टूडेंट, एक बात आपको बता दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी फ्लो नहीं करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली में फ्लो नहीं कर सकता है भाई, स्टैटिक है ये,
भाई फील्ड का मतलब क्या है, एक तरह से इमेजिनरी लाइन है चार्ज की चारों तरफ, क्या इमेजिनरी लाइन, तो भाई वो तो बहेगा ही नहीं, वो तो फ्लो ही नहीं कर सकता। तो कंसिडर कर लो कि भाई जो एरिया है, अगर मान लो कोई भी पर्टिकुलर एरिया है, तो उस एरिया से जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकाल रहा है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उस एरिया से पास आउट हो रही है, इसे हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल रहे हैं। तो डेफिनेशन भाई याद रखो पहली बात तो, कि इट इज द मेजर ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस। सबसे पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए, इसके बाद सारी बातें, ठीक है, सबसे पहले ये बात है, इसके बाद के बाद सारी बातें होंगी जो भी हैं, ठीक है ना। ये डेफिनेशन आपको पहले पता होनी चाहिए। अब देखो इसका मतलब क्या, ये जानते हैं हम, उठाएंगे वही पॉइंट चार्ज को उठाते हैं पहले। तो मान लो एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, और एक हम यहाँ पे माइनस क्यू लेट कर लेते हैं। हमें पता है जो प्लस क्यू चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, बाहर की तरफ निकलती है, ऐसे है ना भाई, तीर निकलते हैं इससे बाहर, है ना, इससे क्या निकलते हैं, तीर बाहर निकलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इसे हम जो हमने लाइने ड्रॉ कर रखी है, दिस इज व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, सारी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अब मैंने इसके ना, इसके सामने एक ऐसा सरफेस रख दिया, ये कोई भी एक स्क्वायर सरफेस है या रेक्टेंगुलर सरफेस है, ठीक है। अब देखो भाई ये फील्ड लाइंस की बाउंड्री कितनी है, जो यहाँ पे एरो है, ये कितनी दूर तक जा सकता है, सर इनफाइनाइट तक जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, ये भी इनफाइनाइट तक, ये भी इनफाइनाइट तक, ये भी इनफाइनाइट तक, ये भी इनफाइनाइट तक, ऐसे जाएगा, है ना, जाएगा, ऐसे जाएगा कि नहीं भाई, और भी बहुत सारी लाइन होंगी, एक लाइन थोड़ी ना होती है, यहां से इनफाइनाइट लाइन निकल सकती है इस तरीके से, ये ऐसे लाइन निकल गई, ये ऐसे लाइन निकल गई, ये इस तरीके से लाइन निकल, देख रहे हो, देखो ये क्या है, जो मैंने एरो यहाँ पे जो लाइनें ड्रॉ कर रखी है, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये हमें क्या बताता है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड की बाउंड्री बताते हैं भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा दिखाई देता है, एक तरह से इमेजिनरी लाइन होती है, ये हमने ऑलरेडी इससे पहले वाले लेक्चरों में डिस्कस कर लिया है। अब देखिए ये एक सरफेस रख दिया मैंने यहाँ पे, ये क्या एक सरफेस है, ओके। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, इट इज द मेजर ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी है, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, ऐसे बतेरी होंगी, आठ थोड़ी ना होंगी, बतेरी होंगी, ऐसे तो हजारों इनफाइनाइट लाइंस है, हमें नहीं पता सर कितनी लाइन निकल सकती है, हाउ कैन वी टेल कि भाई कितनी लाइन निकलेगी, इट इज इनफाइनाइट, बहुत ही क्लोजली पैक्ड होती है, दूर दूर थोड़ी ना होती है, है ना। अब ये डिपेंड करता है सरफेस पे, एक और सरफेस मैं बना रहा हूं यहाँ पे बच्चों, ठीक इसी का एक छोटा सा छुटकू सा, इसी का सुपुत्र लेट कर लेते हैं, ठीक है ना, इस सरफेस का सुपुत्र ये छोटा सा। अब यही फील्ड लाइंस पिताजी से पास हुआ, अब बेटे से कितना पास हो गई, ये देखो जरा ऐसे, है ना, मतलब यहाँ पे आठ में से तीन लाइन इस छुटकू वाले सरफेस से निकली, है ना, छुटकू सरफेस से कम लाइन निकल रही है, राइट। और अगर मानो बेटे का बेटा कर दे, पोता बना दे हम तो इसको, तब क्या होगा, तब पोते से केवल एक फील्ड लाइंस निकलेगी, है कि नहीं, ऐसी तो हो रहा है ना। तो देखो जैसे जैसे सरफेस छोटा होता जा रहा है, जैसे जैसे सरफेस छोटा होता जा रहा है, जो फील्ड लाइंस है वो उनकी संख्याएं कम होती जा रही है, है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उनकी संख्याएं कम होती जा रही है, होती जा रही है कि नहीं। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्चुअली में कि भाई एक सरफेस से, एक पर्टिकुलर एरिया से कितने फील्ड लाइंस पास हो रही है, एक पर्टिकुलर एरिया से कितने फील्ड लाइंस पास हो रही है, उसे हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल रहे हैं, समझ आ रही बात, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, उसे हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल रहे हैं, यही है भाई इसका मतलब, इसके अलावा और कोई इतना गहरा इसका मीनिंग नहीं है। इसका यूज क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, हमें तो ये जानना है, हमें इंटरेस्ट इसमें है कि भाई इसकी फिजिक्स क्या है, भाई फिजिक्स ये तो होगी सिंपल नॉर्मल बात जो हमारे दिमाग में बैठनी चाहिए, हाँ भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि भाई टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या एक चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाल रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक एरिया से कितनी पास हो सकती है, उसकी संख्याएं कितनी है जो एक पर्टिकुलर एरिया से निकल सकती है, इसे हमने क्या बोल दिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल दिया। अब देखो सरफेस छोटा होता जा रहा है तो फ्लक्स भी क्या हो रहा है, छोटा होता जा रहा है ना भाई, यहाँ पे फ्लक्स बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है तो फ्लक्स ज्यादा हो रहा है, एरिया अगर ज्यादा हो रहा है तो फ्लक्स ज्यादा हो रहा है, फील्ड लाइंस ज्यादा निकल रही है, एरिया कम तो फ्लक्स कम होता जा रहा है, और एरिया कम तो और फ्लक्स कम हो गया, है ना। आप फ्लक्स को ऐसे समझो कि भाई आप सो रहे हो खिड़की के, आपके घर में खिड़की है और आप बिल्कुल खिड़की के सामने सो रहे हो, ठीक है ना, बेड पर।
अब आपने क्या किया भाई, खिड़की छोटी बड़ी हो सकती है, आपने ऐसा कुछ है सिस्टम है कि ऐसे करोगे तो थोड़ी बड़ी हो जाएगी खिड़की, और थोड़ा ऐसे खोलोगे तो खिड़की और बड़ी होती जाएगी। तो भाई छोटी अगर खिड़की खोलोगे तो क्या होगा, अगर खिड़की छोटी खोलोगे तो कम हवा आएगी, कम रोशनी आएगी, थोड़ी बड़ी खोलोगे तो रोशनी और ज्यादा आएगी, और बड़ी खिड़की कर दोगे तो रोशनी और ज्यादा आएगी। आप ऐसे समझ सकते हो भाई, खिड़की के चार पांच दरवाजे हैं, ऊपर नीचे ऐसे करके कब्जे बने हुए हैं। एक खिड़की में होते हैं ना आजकल बहुत सारे दरवाजे होते हैं खिड़की के अंदर भी, है ना, इस तरीके से मान लो, ठीक है, ऐसे बहुत रोशनदान वाला खिड़की है। ठीक है, पहले आपने ये गेट खोला तो भाई इससे कुछ रोशनी बाहर आ गई, है ना, आपने क्या किया इस गेट को खोल दिया, इसको भी तो और रोशनी बाहर आ जाएगी, यहां से और ज्यादा बाहर आ जाएगी, है ना। आपने क्या किया ऊपर वाला भी खोल दिया तो यहां से और ज्यादा रोशनी बाहर आ जाएगी। तो समझ लो भाई, जितना ज्यादा एरिया उतनी ज्यादा रोशनी बाहर आएगी, उतनी ज्यादा एयर बाहर आएगा। तो भाई इसको हम क्या बोलते हैं, लाइट फ्लक्स, एयर फ्लक्स, ठीक है, या वाटर फ्लक्स, मतलब जो भी आप किसी भी एरिया से कुछ भी पास मटेरियल करवा रहे हो तो आप उसी का नाम पे फ्लक्स रख सकते हो। जैसे वाटर फ्लक्स हो गया तो किसी एरिया से पानी का निकलना, ठीक है, एयर फ्लक्स हो गया किसी खिड़की से, किसी एरिया से, ठीक है, सरफेस से एयर का बाहर निकलना, ठीक है, नंबर ऑफ एयरलाइंस आप कह सकते हो, वो एयरपोर्ट वाले एयरलाइंस की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है। और इसी प्रकार अगर आप कहते हो लाइट फ्लक्स की बात करते हो तो आपको नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द एरिया, पासिंग थ्रू दैट विंडो, उस विंडो से कितनी लाइट पास आउट हो रही है। भाई इसी का एनालॉगस पकड़ लो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कुछ ऐसे ही होता है बच्चों कि भाई कोई भी एक पॉइंट चार्ज है, कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा है, एक पर्टिकुलर सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, इसको नापने के लिए जो हम फिजिकल क्वांटिटी का यूज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। तो मोटा मोटा ये है भाई कि इट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस, इस बात को दिमाग में बैठाओ, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस, ठीक है, सरफेस जितना बड़ा होगा फील्ड लाइंस उतनी ज्यादा एमर्ज होगी, निकलेगी। ओके, चलिए ये तो होगी बात भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, जो इसकी एक इमेज आपके दिमाग में बैठनी चाहिए वो। अब इसको थोड़ा मैथमेटिकल डिफाइन करते हैं, थोड़ा और मोर फिजिक्स के थ्रू, उसके आईने के थ्रू, फिजिक्स के पैमाने पर हम देखते हैं इसका मतलब और क्या हो सकता है। देखो मान लो ये कोई भी एक सरफेस है, ये मान लो कोई भी एक सरफेस है जिसका एरिया क्या है, ए है। क्या है इसका एरिया, ए बोल दिया मैंने, इसका एरिया सरफेस एरिया क्या है इसका, ए है। I don't know कि whatever kind of surface this may be, it may be square, rectangle, circle, ठीक है, any arbitrary shape, कुछ भी हो सकता है। I don't know exactly. I will discuss all the parameters, all the surfaces. अगर continuous, अगर मान लो this surface irregular है तब क्या होगा, और अगर symmetrical surface है तब क्या होगा flux. I will discuss all these kind of things. So first of all think about this. Suppose this is the surface, इसका एरिया क्या है, A है, okay? अब यहाँ पे एक concept आपको दिमाग में बैठाना है, ठीक है? मान लो यहां से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास हो रही है, इस तरीके से ये इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो गई, क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, ठीक है, बहुत सारी है तो मैंने लेट कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास हो रही है, राइट? अब ये नॉर्मल है या पैरेलल टू सरफेस है, आई डोंट नो, ठीक है, मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं फिलहाल। अब यहाँ पे जो दूसरी बात आपको समझनी है इसके साथ, दूसरी बात देखिए, अगर ये कंपोनेंट है तो इसके साथ एक कंपोनेंट और होगा, ठीक है, जिसे हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे, एरिया वेक्टर बोलते हैं उसको हम। तो एक कंपोनेंट ऐसा है इस सरफेस का, इस सरफेस का एक कंपोनेंट ऐसा है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, एरिया वेक्टर, जो हमेशा इसके क्या है, परपेंडिकुलर है सरफेस के, एक ऐसा कंपोनेंट जो सरफेस के परपेंडिकुलर है, दैट इज कॉल्ड एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर कुछ इस तरीके से हो जाएगा, सपोज ये हमेशा सरफेस के नॉर्मल रहेगा, क्या रहेगा, ये हमेशा सरफेस के नॉर्मल रहेगा, ठीक है, जैसे बोर्ड है, इस बोर्ड पे अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करो तो कैसे करोगे, ऐसे करोगे, है ना, बिल्कुल एक परपेंडिकुलर लाइन। तो यही क्या है, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर हमेशा नॉर्मल टू सरफेस होता है, परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है, और हमेशा बाहर की तरफ निकलेगा, कहां निकलेगा, हमेशा बाहर की तरफ, आउटवर्ड निकलेगा। इस बात को ध्यान रखना है भाई, ये कॉन्सेप्ट जो है ना एरिया वेक्टर का, इसको हम एन कैप से डिनोट करेंगे, कंपोनेंट है एरिया वेक्टर का, ठीक है, या हम इसको ऐसे लिखते हैं ए, ठीक है, ए वेक्टर भी लिख सकते हो आप इसको, सिंपल ए वेक्टर लिख सकते हो या एन कैप भी लिख सकते हो,
ठीक है। और मान लो इस एन कैप और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल क्या है, थीटा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। तो मतलब यहां पर क्या है कि भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और ये एरिया वेक्टर है ए कैप या एन कैप, लेट कर लो ए है या एन है, ठीक है, ये एरिया वेक्टर है और इनके बीच में एंगल क्या है, थीटा है, ठीक है, इनके बीच में क्या एंगल, थीटा है। अब देखो फ्लक्स, फ्लक्स क्या हमने बोला, इट इज अ मेजर ऑफ द टोटल, इट इज अ मेजर ऑफ द टोटल, इट इज अ मेजर ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सर्फेस। मतलब नंबर हो गया, एक तरह से नंबर बता रहा है हमें। तो एक तरह से क्या हो गया, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या एक स्केलर क्वांटिटी है, क्या एक सॉरी स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक स्केलर क्वांटिटी है। अब इसका जो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट इस तरफ होगा, ठीक है, दैट इज ए कॉस थीटा करके, ठीक है, इसको हम ए लेट कर लेते हैं, ये कोई ए वेक्टर है, ठीक है। इसके दो कंपोनेंट है, एक अलोंग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट, ओके, एक वर्टिकल होगा एक हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है। अब दो इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो जो फ्लक्स की वैल्यू हो जाती है क्या हो जाती है, ई ए कॉस थीटा हो जाती है, क्या हो जाते हैं, ई ए कॉस थीटा, दिस इज कॉल्ड द प्रोजेक्शन, दिस इज कॉल्ड द प्रोजेक्शन। तो ये स्केलर प्रोजेक्शन हो जाएगा ए कॉस थीटा, ठीक है। तो यानी ई ए कॉस थीटा इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैथामेटिकल कॉन्सेप्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये बच्चों फॉर्मूला है और हर हाल में याद रखना है, ठीक है, हर हाल में याद रखना है ये फॉर्मूला, हर हाल में, ठीक है, यहीं से आपके सारे सवाल बनेंगे लगभग सारा, इसके अलावा और कोई फॉर्मूला ही नहीं है, यही समझ के चलो यही एक लौता फॉर्मूला है, इसके अलावा और कोई फॉर्मूला नहीं है। बस हम क्या करते हैं, कई बार ए को हम डीएस लिख देते हैं, डीएस का मतलब स्मॉल सरफेस, इतना कर सकते हैं, हालांकि इसके अलावा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का और कोई फॉर्मूला नहीं है। हाँ, जो हम करेंगे जो फॉर्मूला गॉसेस लॉ में पढ़ेंगे वो एक तरह से एक एरिया पे इंडिपेंडेंट वाला फॉर्मूला होगा, वी विल डिस्कस दैट पैरामीटर आल्सो, लेकिन अभी फिलहाल समझो कि भाई यही एक इसका इकलौता फॉर्मूला, यहां से आपकी सारी गिनती शुरू हो जाती है, ठीक है। कोई भी सरफेस हो, कैसा भी सरफेस हो, उसका फॉर्मूला ये होता है ई ए कॉस थीटा। तो यानी इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम थोड़ा सा और सिस्टमेटिक तरीके से लिख सकते हैं, ई डॉट ए लिख सकते हैं, ई डॉट ए लिख सकते हैं कि नहीं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ई डॉट ए, ई डॉट ए का मतलब ई ए कॉस थीटा, इट इज अ स्केलर प्रोडक्ट, ये क्या स्केलर प्रोडक्ट है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, दैट इज ई ए कॉस थीटा, ठीक है। इसको आप कैसे पढ़ोगे, ई ए यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ओके, ये बात समझो यहां पे। तो भाई होता क्या है यहां पे, अब यहां पे जो ए है, ए है, ये क्या है, ये है एरिया वेक्टर, क्या है ये, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर क्या होगा, एरिया वेक्टर ऑलवेज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस, क्या होगा, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस, ठीक है, एंड नॉर्मली आउटवर्ड, ऐसे भी याद रख लेना, एंड नॉर्मली आउटवर्ड, क्या बताओगे भाई, हमेशा आउटवर्ड होगा नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखना, तो एरिया वेक्टर है ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस, नॉर्मली आउटवर्ड होता है, ठीक है, क्या होता है, बाहर की तरफ नॉर्मली आउटवर्ड रहेगा हमेशा। तो कोई भी अगर सरफेस है, कैसा भी रखा हो सरफेस, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, ये वाला शीट है सपोज, ठीक है ना, ये शीट है, अगर मैं शीट को ऐसे रख दूं, ठीक है, इस शीट को मैं ऐसे रख दूं, तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे हो जाएगा, यानी ऊपर छत की तरफ जाएगा, ये जो पेन देख रहे हो ना स्केच, ये एरिया इस पर इस सरफेस के परपेंडिकुलर रखना है आपको, अगर मैं ऐसे करूंगा तो ऐसे हो जाएगा, अगर मैं ऐसे कर दूं तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो आप कैसे भी रखो इस सरफेस को देखना, ये जैसे भी होगा इसका जो एरिया वेक्टर होगा हमेशा बाहर की तरफ निकलेगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो नीचे की तरफ हो जाएगा, अगर नीचे वाला आप लेट करें तो नीचे की तरफ एरिया वेक्टर हो जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है, ठीक है, यानी नॉर्मली आउटवर्ड होता है, या आप दो अगर दो फेस है तो दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, तो इतना आप कह सकते हो, ठीक है ना। तो भाई ई ए कॉस थीटा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ई ए कॉस थीटा, सो याद करो रिपीट करो, ई ए कॉस थीटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। अब चलिए यहां से आगे गाड़ी बढ़ाते हैं, ठीक है, तो हमें मैथामेटिकल डेफिनेशन मिल गई, अब इसका सिग्निफिकेंट क्या है ये भी जान लेते हैं, यहीं पे जान लेते हैं इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, यही तो हमें पता होना चाहिए कि फिजिक्स में इसका काम क्या है, है ना, कि भाई फिजिक्स में इसका काम क्या है, क्या रोल है इसका। देखो अगर हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता है तो हम किसी भी पर्टिकुलर एरिया से क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं,
क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। और अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो हम ये बता सकते हैं कि भाई अगर कोई टेस्ट चार्ज या कोई चार्ज उस फील्ड में एंटर करता है तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा, फिर हम उससे वो निकाल सकते हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो कई सारी चीजें यहां से लिंक हो जाती है। तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये कि वी कैन कैलकुलेट इजिली इलेक्ट्रिक फील्ड इफ वी नो द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं जरा इसकी थोड़ी सी और बेसिक डेफिनेशंस, और डेफिनेशन दो चुके हैं, बेसिक बातें और करते हैं जरा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, सबसे पहला जो आपको फॉर्मूला याद रखना बच्चों, ई ए कॉस थीटा क्या होगा, ई ए कॉस थीटा यानी ई डॉट ए। ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ई डॉट ए, क्या ये स्केलर प्रोडक्ट है, क्या ये स्केलर प्रोडक्ट है। ए क्या है, एरिया वेक्टर है नॉर्मल टू द सर्फेस और नॉर्मली आउटवर्ड होगा, ठीक है, बाहर की तरफ हमेशा निकलेगा इस तरीके से, राइट। कोई भी सरफेस है उसके नॉर्मल, भाई कहीं पे भी नॉर्मल डाल देना, ठीक है, वही नॉर्मल क्या होगा, एरिया वेक्टर होगा, ठीक है, उसको हम एन कैप भी लिख देते हैं, नॉर्मल लिख देते हैं उसको, राइट। तो नाउ ये हमारे पास बात आ गई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ई ए कॉस थीटा। अब देखिए यहां पर, अब यहां पर मैं कुछ बातें आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले तो ये स्केलर क्वांटिटी है, सबसे पहले स्केलर क्वांटिटी लिखते जाओ साथ साथ, बिल्कुल प्रॉपर नोट्स की तरह लिखवाता हूं यहाँ पे बोर्ड पे, ठीक है ना, स्केलर क्वांटिटी है। दूसरी यहाँ पे एसआई यूनिट क्या होगी भाई, एसआई यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट होगी यहाँ पे न्यूटन, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, क्या होगी एसआई यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। देखो बच्चों, एग्जाम में अक्सर ये सवाल पूछा जाता है, वोल्ट पर मीटर और एक वोल्ट मीटर, वोल्ट पर मीटर और वोल्ट मीटर, इन दोनों में अंतर है। बच्चे इतना कंफ्यूज रहते हैं इस यूनिट को लेकर कि भाई उनका आंसर निकलता ही नहीं है, ठीक है। तो वोल्ट पर मीटर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की एसआई यूनिट, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो और जो वोल्ट मीटर है ये होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट, क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। कहां से है सर, देखो यहां पे क्या है, ई ए इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वोल्ट पर मीटर होगी, एरिया को हम क्या लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर, तो क्या हो गया, वोल्ट मीटर। तो भाई इसकी एक और यूनिट है वोल्ट मीटर, क्या है, एक और यूनिट है इसकी वोल्ट मीटर। तो यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की दो यूनिट होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम और वोल्ट मीटर, ठीक है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, अगर आपसे पूछा जाए इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए तो आप क्या बताओगे, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा इसका, भाई न्यूटन का क्या होता है, एम एल टी माइनस टू होता है, मीटर स्क्वायर का क्या होता है, एल स्क्वायर हो जाएगा, कूलम्ब का क्या होता है, एम्पियर टाइम होता है, ठीक है, पावर क्या माइनस वन है, तो पर एम्पियर पर टाइम हो जाएगा। तो भाई इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो हो जाएगा एम एल क्यूब है ना, टी की पावर माइनस थ्री, ए की पावर माइनस वन, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, एम एल क्यूब, टी की पावर माइनस थ्री और ए की पावर माइनस वन। तो ये कुछ बातें हैं बच्चों आपके सामने, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड है ये, ठीक है। इसके बाद भी कुछ और चीजें वो हम चर्चा करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं, लेट्स देख लो एक बार और स्टार्ट करते हैं और आगे की बातें इसमें क्या है। चलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो नेक्स्ट पार्ट है भाई इसमें, अब यहां पर फ्लक्स जीरो कब हो सकता है, मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा, लेट्स डिस्कस इट। देखो अगर लेट करते हैं हम लोग कि भाई पहला केस है, ठीक है, फ्लक्स इफ इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। देखो अब इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज जाते हैं, ये वो टर्निंग पॉइंट है जहां पे कंफ्यूजन स्टार्ट होती है। तो भाई यहीं से आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ चीज होती है ना, मैं आपको ऐसे ऐसी बातें बताऊंगा इनमें जहां पे आप लोग सोचते हो कि भाई ऐसे कैसे हो गया, वैसे कैसे हो गया, यहां पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, जहां पे आप गलतियां कर सकते हो, वो बातें यहां पे बताई जा रही है। देखो यहां पे इसका मतलब क्या है, मान लो एक सरफेस है इस तरीके से रखा है, कैसे रखा है, ऐसे जैसे आप कॉपी पकड़ लो कुछ भी, ठीक है, ये पेपर पकड़ लिया मैंने, तो मैंने ऐसे रख दी यूं करके, एकदम ऐसे लेटा दी इस तरीके से, है ना, ऐसे रख दिया, ये ऐसी सरफेस है, इस तरीके से रख दिया मैंने, राइट, इस तरीके से रख दिया हमने, इस तरीके से, राइट। अब देखो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड बोला मैंने इसके नॉर्मल, क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके नॉर्मल बोला है, ये है सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो गया। अब एरिया वेक्टर क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, भाई एरिया वेक्टर क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, राइट।
तो भाई पहला केस है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू सरफेस है। अब यहाँ पे दो बातें हो सकती हैं, ठीक है, एक तो ये बात है, पहली बात तो यहाँ पे ये है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है, ये एरिया वेक्टर हो गया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। एरिया वेक्टर को आप एन कैप से भी डिनोट कर सकते हो, ठीक है ना, वरना आप इसको ए ही ले लो, कोई वो नहीं है, ए ही ले लो, ठीक है। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में हो जाएगा। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू सरफेस है तो इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर आर इन द सेम डायरेक्शन। तो यहां से जो बात निकल के आती है ना वो ये है कि भाई एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन द सेम डायरेक्शन, आर इन द सेम डायरेक्शन। और अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होता है तो वहां पे एंगल क्या हो जाता है, थीटा जीरो डिग्री का होता है। तो देखो ये बात समझनी है, यही बात है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर है तो यहां पर जो एंगल है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जीरो हो जाएगा। तो यहां पर जो फ्लक्स की वैल्यू होती है भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, ई ए हो जाएगा, यानी ई ए कॉस जीरो। भाई कॉस जीरो क्या होता है, वन हो जाता है, ये तो वैल्यू वन हो गई यहां पे, है ना। तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, ई ए हो जाएगा, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम, क्या बोलेंगे, मैक्सिमम। तो इससे आप ऐसे कह सकते हो कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एरिया वेक्टर है दे आर इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर आर इन द सेम डायरेक्शन व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। अब यहां पे पहली बात तो ये आ गई, ठीक है, ये आपकी पहली बात है, ठीक है ना, ये पहली बात है। दूसरी बात देखो, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू सरफेस, ठीक है, बट एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन अपोजिट डायरेक्शन, क्या हो जाएगा, आर इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है तो नीचे भी तो अप्लाई कर सकते हैं, अगर हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई कर दे, ये यहां पे कोई भी हमारा सरफेस है हमारे पास, ओके, ये क्या है, सरफेस है, और इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने ऐसे अप्लाई कर दिया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे अप्लाई कर दिया, ऐसे नीचे की तरफ, ये सरफेस हो गया, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ अप्लाई कर दिया डाउनवर्ड, और लेकिन एरिया वेक्टर क्या, अपवर्ड है, राइट, एरिया वेक्टर क्या, अपवर्ड है, और नीचे वाला सरफेस अभी हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, और एरिया वेक्टर इस तरीके से, ये ऊपर की तरफ एरिया वेक्टर है, ओके, तब इनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा, तब एंगल यहाँ पे 180 हो जाएगा, तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, ई ए कॉस 180 हो जाएगा, और कॉस 180 कितना होता है बच्चों, माइनस 1 होता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया, माइनस ई ए हो गया, दिस इज द मिनिमम वैल्यू, क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है डिपेंडेंट ऑन, अभी हम बाद में बात करेंगे, डिपेंडेंट ऑन पहली बात तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या है उस पर डिपेंड करेगा, दूसरी बात यहाँ पे चार्ज पे भी डिपेंड करता है, चार्ज का नेचर क्या होता है, वी विल डिस्कस इट, हम करेंगे जब हम गॉसेस लॉ पढ़ेंगे ना तब हम उसमें डिस्कस करेंगे, फिलहाल अभी ये बात समझो यहाँ पे, ठीक है। तो भाई पहला केस क्या है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे दो बात निकल के आती है कि एक तो एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होंगे, अगर सेम डायरेक्शन में तो एंगल क्या हो जाएगा, थीटा जीरो हो जाएगा, तब इस केस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है मैक्सिमम होगा, ई ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है सर, ये बात समझ गए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू सरफेस है और एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है, तब इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स में माइनस और नेगेटिव हो जाएगा, तब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है माइनस ई ए के बराबर होगा, मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि हो क्या रहा है यहाँ पे, कैसे क्या दे रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू सरफेस का मतलब ये नहीं कि थीटा 90 होगा, तब यहाँ पे थीटा जीरो होगा, ये बात ध्यान रखना, ये यहाँ पे थीटा का खेल है सारा, और ये याद रखना भाई एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां से दो बात निकल के आती है, अब तीसरी बात क्या है सर, ये बता दो जल्दी से, ठीक है। पहली बात तो हम समझ गए कि पहली बात में दो बात थी, लेकिन अब जो थर्ड बात है ना उसको बताइए। देखो तीसरी बात बच्चों ऐसी है, तीसरी बात जो है कुछ इस तरीके से है कि लेट कर लो यहां पे कि ये हमारे पास कोई भी एक सरफेस है, ठीक है, और हमने अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना ऐसे अप्लाई कर दी टेंजेंट टू सरफेस, मतलब ये सरफेस हो गया, ये सरफेस है हमारे पास इस तरीके से, ये लेट कर लेते हैं इसको, ये सरफेस है, राइट, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ऐसे अप्लाई कर दिया इस सरफेस के पैरेलल,
ठीक है, बिल्कुल इसके पैरेलल ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, चाहे कैसे भी कर दो, ऐसे कर दो सरफेस के कैसे पैरेलल, मतलब इसके बिल्कुल ऊपर से बिल्कुल सीधे सीधे इसके पैरेलल ही ऐसे गुजार दिया। ठीक है, देखो ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, राइट, ऐसे भी हो सकता है, ये कुछ इस तरीके से भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, ये भी पैरेलल है भाई, ठीक है, ये भी पैरेलल है, ओके, टेंजेंशियल आप कह सकते हो। ठीक है, आवर इलेक्ट्रिक फील्ड इज टेंजेंशियल, क्या लिख दिया मैंने, टेंजेंशियल टू सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज टेंजेंशियल टू सरफेस बोल रहा हूं भाई मैं, क्या बोल रहा हूं, टेंजेंशियल टू सरफेस। अगर मैं इसको ऐसे आर्बिट्ररी शेप बनाता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने कुछ ऐसे अप्लाई कर दिया, ऐसे सरफेस के अलोंग, ठीक है, सरफेस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने इस तरीके से अप्लाई कर दिया, ये इस तरीके से अप्लाई हो गया, ठीक है ना। अब देखो एरिया वेक्टर क्या होगा, एरिया वेक्टर क्या होगा इस केस में, इस केस में एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ ऐसे होगा भाई, ये एरिया वेक्टर हो गया, तो एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया ना, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, तब इस केस में थीटा क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अगर थीटा इसमें भी ऐसे होगा भाई, ये एरिया वेक्टर हो जाएगा, ठीक है, ये एरिया वेक्टर, ठीक है, मतलब बाहर की तरफ, देखो ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ऐसे ऐसे निकलेगा, तो इसका मतलब ये और ये दोनों क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ध्यान रखना, ये और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर हो जाएगा, एरिया वेक्टर ऐसे बाहर की तरफ निकलेगा, रेडियली आउटवर्ड, नॉर्मली आउटवर्ड होगा, ठीक है, तो यहाँ पे भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा 90। इस केस में एरिया वेक्टर क्या होगा, देखो छोटा सा सरफेस लेट कर लो, इस सरफेस का एरिया वेक्टर रेडियली नॉर्मली आउटवर्ड, ये एरिया वेक्टर ऐसे बाहर निकलेगा, अगर कोई भी आर्बिट्रेरी शेप है, रैंडम इरेगुलर बॉडी का शेप है, तब एरिया वेक्टर बाहर की तरफ निकलेगा, और ये क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तब अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितने का हो गया, 90 का हो गया। अब देखिए फ्लक्स कितना होगा, तो ऐसे केस में जो ई ए कॉस 90, ये फ्लक्स का फॉर्मूला हमारे पास, इसी में 90 की वैल्यू पुट कर देंगे, और कॉस 90 क्या होता है, जीरो होता है, क्या होता है, जीरो होता है, तो फ्लक्स क्या हो गया भाई, जीरो हो गया, तो नो फ्लक्स इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज टेंजेंशियल टू द सरफेस, ठीक है, देन नो फ्लक्स विल पास थ्रू द सरफेस, कोई भी फ्लक्स पास नहीं होने वाला, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अच्छा एक बात और बता दूं मैं, ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा ये हम बाद में डिस्कस करते हैं, ये क्लोज सरफेस का है, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं, तो यानी ये कुछ बातें भाई, ये पैरामीटर्स हैं, ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर है तब एंगल जीरो होता है, उसमें दो केस पॉसिबल है, या तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। फ्लक्स मैक्सिमम तब होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, और दूसरी बात मिनिमम कब होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, जब एंगल 180 का है। और जीरो कब हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स सरफेस से पास नहीं होगा, कब होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सरफेस के पैरेलल है, यानी कि टेंजेंशियली अप्लाई कर रखा है, ओके, तब इस केस में एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर हो जाते हैं, तब थीटा 90 हो जाता है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो जाता है, क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। तो ये थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बातें, ठीक है, चलो कुछ न्यूमेरिकल पे बेस्ड बनाते हैं कि इसके ऊपर न्यूमेरिकल सर कैसा पूछा जा सकता है, लेट्स डू द न्यूमेरिकल, इट्स न्यूमेरिकल टाइम, फिर उसके बाद आपको गॉसियस लॉ का प्रूफ करवाते हैं। देखिए क्वेश्चन है, ये सीबीएसई में आया हुआ सवाल है मेरे ख्याल से, या किसी स्टेट बोर्ड में सवाल आया थे, पूछा गया है, और ऐसे कई सारे सवाल हैं। फिलहाल वन ऑफ द क्वेश्चन ये है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, ये तो क्या पूछा, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस एरिया 20 यूनिट, सरफेस एरिया 20 यूनिट है इन वाई जेड प्लेन। अब देखिए ऐसे सवाल में आपको करना क्या है, सबसे पहले तो क्या क्या गिवन है वो लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दे रखा है, 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड ही हो गया हमारे पास। अब देखो वाई जेड प्लेन क्या होगा, लेट कर लो ये क्या है, ये वाई प्लेन है, ये मान लो वाई एक्सिस है, और ये क्या है, जेड एक्सिस है, क्या है इसको मैंने जेड एक्सिस बोल दिया, ठीक है, और ये वाला क्या है हमारे पास, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस, वाई एक्स और ये जेड, ऐसे। अब देखो ये बताओ, अगर वाई जेड प्लेन की बात करता हूं, मान लो आपका फ्लोर है, आप जहां पे बैठे हो, जहां पे भी आप बैठ के वीडियो देख रहे हो, जहां पे आपकी चेयर है, बेड वगैरह रखा है, लेट कर लो ये जो पेज है ना, ये फ्लोर के एकदम पैरेलल है, क्या है, फ्लोर के पैरेलल, राइट, तो यहां पे ये जो इस तरीके से जा रही है, ये वाली लाइन जो इसकी लेंथ है, इसकी लेंथ, इस पेज की जो लेंथ है वो क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस हो जाएगा, और ये क्या है, जेड एक्सिस है, ये वाला जिसकी ब्रेड्थ एक है, जेड एक्सिस है, ठीक है, तो एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ एक्स एक्सिस हो गया। अब देखिए सवाल क्या है यहां पे, ये बताओ कि इसमें जो एरिया है, सरफेस एरिया कितना, 20 यूनिट दे रखा है, तो एरिया वेक्टर क्या होगा,
एरिया वेक्टर क्या होगा। अब एरिया वेक्टर निकालने के लिए आपको क्या करना है, परपेंडिक इस सरफेस के एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन कैसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, ये हो जाएगी ना ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ हो जाएगी लाइन, होगी कि नहीं। और ये जो परपेंडिकुलर है ये ऐसे हो जाएगा, ये देखो जरा जब मार्कर का ब्लैक वाला पॉइंट आपको दिख रहा है ये परपेंडिकुलर है, तो सरफेस एरिया ऊपर की तरफ जा रहा है और ऊपर क्या है एक्स एक्सिस है, क्या है ऊपर एक्स एक्सिस, तो भाई ऊपर तो एक्स एक्सिस है, तो मतलब यहाँ पे जो एरिया वेक्टर हो गया, ठीक है इस तरीके से ये प्लेन रखा हुआ, ये रहा प्लेन, ठीक है इसका जो एरिया वेक्टर है वो ये निकलेगा ए, और ये एरिया वेक्टर कितना दे रखा 20 आई कैप हो जाएगा, 20 आई कैप यूनिट कहां हो जाएगा अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, 20 आई कैप हो जाएगा अलोंग एक्स एक्सिस का मतलब आई कैप, आई कैप का मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस है, ये डायरेक्शन बताता है। अब देखिए फ्लक्स कितना पास होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है यहाँ पे फाई इक्वल टू ई डॉट ए होता है, यानी डॉट प्रोडक्ट निकालना है, इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा आपको क्या करना है, जो कॉफिशियंट होता है आई जे के का उसको मल्टीप्लाई करके एड करते हैं, तो भाई 20 इंटू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 20 इंटू क्या हो जाएगा 6, तो कितना आ गया 120 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब, ओके 120 न्यूटन मीटर स्क्वायर। अच्छा इन्होंने देखो यहां पे कहीं यूनिट नहीं बुद्धि रखी है, तो आप इसको ऐसे छोड़ दो, 120 न्यूटन पर कूलम्ब यूनिट ऐसे लिख देना, ठीक है क्योंकि एरिया हमें बताया नहीं इन्होंने किस में दे रखा है, हालांकि हमने क्या लिखा है एमके सिस्टम में लिखा है, तो यहाँ पे भी मीटर स्क्वायर ही होना चाहिए, लेकिन इन्होंने मीटर वगैरह कोई जिक्र कर नहीं रखा है तो हम भी यूनिट लिख देंगे, तो न्यूटन पर कूलम्ब मैंने किसका लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड का लिखा है, ठीक है। और फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, तो इसको हम 120 ही लिखेंगे, राइट, मतलब इसमें कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं बतानी है क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। तो इस बात के ध्यान रखिए, ये न्यूमेरिकल आया हुआ था, तो ऐसा एक न्यूमेरिकल और कराता हूं मैं जरा, ताकि आपको यहाँ की पिक्चर क्लियर हो जाए। देखिए सेकंड क्वेश्चन डीपीपी 4 का, ये डीपीपी 4 है, डीपीपी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, क्रेजी 4 फिजिक्स से, वहां जाके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके क्रेजी 4 फिजिक्स टेलीग्राम पे जाके मेंबर, वहां पे फ्री ऑफ सब्सक्रिप्शन है, कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, और मेंबर बन जाना, और वहां पे मैं इस तरह के तमाम डीपीपी में शेयर करता हूँ नोट्स से रिलेटेड, और जो भी डीपीपी से रिलेटेड है ये सारे जो भी मटेरियल होते हैं स्टडी मटेरियल सिलेबस वगैरह सब वहां पे मैं क्या करता हूँ अपलोड करते रहता हूँ, तो जाके मेंबरशिप ले लेना, आपको इतना ही करना है, मतलब फ्री ऑफ सब्सक्रिप्शन है, कोई वो चार्ज नहीं है उसका, जाके बस कुछ नहीं मेंबर बन जाना है उसका, और आपको डीपीपी की घंटी मिलती रहती रहेगी, ठीक है ना, क्या क्या डीपीपी कौन सी, या मैंने कौन से नोट्स अपलोड कर दिए, क्या क्या मैं अपडेट कर रहा हूँ, लेक्चर से रिलेटेड अपडेट वगैरह मैं वहां पे करता रहता हूँ। तो चलिए ये सवाल है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दे रखा है, कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस एरिया 2i कैप माइनस j कैप इनटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर। तो क्या क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 5i कैप प्लस 4j कैप माइनस 4k कैप, और यहाँ पे जो एरिया वेक्टर है बच्चों दे रखा है 2i कैप माइनस j कैप, ये क्या है यहाँ पे एरिया वेक्टर इनटू में 10 की पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर। क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा E डॉट A हो जाएगा, क्या हो जाएगा E डॉट A हो जाएगा, तो भाई इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, भाई यहाँ पे जो कॉफिशियंट है उनको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो भाई यहाँ पे I का कॉफिशियंट 2 है, 2 को हम 5 से इंटू कर देंगे, 2 इंटू 5 और माइनस 1 इंटू में 4 कितना हो जाएगा माइनस 4 हो जाएगा, है ना, और 10 की पावर माइनस 2 एज इट इज आ जाएगी, देखो ये आ जाएगा, निकालना आता है ना डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, भाई जो आई जे के कॉफिशियंट होते हैं उनको मल्टीप्लाई करके जोड़ना होता है, बस इतना करना होता है, 5 दुनी 10, 10 में से 4 गया 6, तो 6 गुना में 10 की घात माइनस 2 वोल्ट, वोल्ट मीटर भी लिख सकते हो आप, ठीक है वोल्ट मीटर लिख लो या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब लिख लो, कुछ भी लिख लो, तो ये इसका क्या है आंसर है। देखिए अनदर क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही करें, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन इज गिवन बाय ए आई कैप प्लस बी जे कैप वेयर द ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड एल पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, मतलब एक स्क्वायर दे दिया और इसका जो एरिया होगा क्या हो जाएगा एल स्क्वायर हो जाएगा, व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर एल स्क्वायर, लेकिन एक इसके पैरेलल है वाई जेड के पैरेलल है, अब मैंने फर्स्ट क्वेश्चन जो बताया तो बिल्कुल वैसे ही होगा, तो यहाँ पे जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या होगा अलोंग एक्स एक्सिस, भाई ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये वाला जेड एक्सिस हो गया, ठीक है, तो एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा अलोंग एक्स एक्सिस हो जाएगा, तो इसको आप क्या लिख सकते हो एल स्क्वायर आई कैप लिख दोगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें वो दे रखा है, तो क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स क्या है फाई है, इसको हम फाई बोलते हैं, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब ये ग्रीक लेटर है और इसको हम फाई बोलते हैं, पी एच आई, क्या बोलेंगे इसको हम
फाई बोलेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा भाई, ई डॉट ए, क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ई डॉट ए होता है, क्या होता है ई डॉट ए, ठीक है। तो अब यहां पे ए क्या है, यहाँ पे जो आई कैप है वो ए है, और यहाँ पे आई कैप क्या है इसका कोफिशियंट एल स्क्वायर है, तो भाई दोनों के कोफिशियंट को इंटू कर दो, एल स्क्वायर इंटू ए हो जाएगा, यही इसका आंसर है भाई। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बच्चों फंस जाते हैं, नहीं कर पाते भाई, इतने इजी प्रैक्टिस ही नहीं करते पहली बात तो, और ना ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई जाती है, तो भाई ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है, ताकि आने वाले जब भी आप कोई भी पेपर देते हो तो भाई जो वेक्टर है ना इससे डर ना लगे, ठीक है, इसका सामना कर सको वो भी खुशी खुशी से। चलिए अगला सवाल करते हैं, देखिए कितना अच्छा सवाल पूछा गया था, ये सीबीएसई के 2013 में पूछा गया सवाल है, सीबीएसई 2013 में सवाल आया हुआ था, ठीक है। ऐसा एक और क्वेश्चन आ रखा है सीबीएसई 2014 में, लगातार बैक टू बैक एक के बाद एक साल में ये सवाल रिपीट हुए हैं, ठीक है। है क्या है सवाल भाई, देखते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दे रखा है, कैलकुलेट करना है फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर ऑफ सरफेस एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर व्हेन इट्स प्लेन इज पैरेलल टू वाई जेड प्लेन, ठीक है भाई। द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक 60 डिग्री एंगल विद एक्स एक्सिस। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बता रखा है सारा। तो सबसे पहला सवाल करते हैं, देखो पैरेलल टू वाई जेड प्लेन का मतलब तो एरिया क्या हो जाएगा, ये एरिया दे रखा है, तब एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा 10 आई कैप सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होगा भाई एरिया वेक्टर पैरेलल टू वाई जेड का मतलब एरिया वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस हो जाएगा, ठीक है ना, ये जहां परपेंडिकुलर टू सरफेस होगा, ये हमने अभी फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में ये हम करते आ रहे हैं, ठीक है। देखिए एरिया हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब ये सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा, मीटर में चेंज करने के लिए क्या करोगे आप, 10 आई कैप इंटू 10 की पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर करोगे। ऐसा क्यों किया सर, देखो एक मीटर बराबर कितना होता है, एक मीटर बराबर 10 की पावर माइनस 2 सेंटीमीटर, एक मीटर बराबर 10 की पावर माइनस 2 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यानी ये आ जाएगा 10 की पावर माइनस 3 आई कैप मीटर स्क्वायर। तो एक तो भाई ये कैलकुलेशन देख लेना अपनी, थोड़ा इसमें इंप्रूवमेंट जरूर कर लेना, वरना इसके ही मार्क्स आपके कॉन्सेप्ट तो आपको आज आ गया, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं आएगी, कन्वर्जन नहीं आएगा, तो वहां भी मार्क्स लूज करोगे, ठीक है। तो बहुत सारी बातें फिजिक्स में ध्यान रखनी पड़ती है, तो इसलिए तो बच्चों भाई फिजिक्स थोड़ा सा उनको लगता है कि टफ हो गई है, क्योंकि मैथ्स से भी ज्यादा मैथ्स इसके अंदर यूज की जाती है ऑफकोर्स। तो ई डॉट ए कर लो भाई, दोनों का कॉफिशियंट क्या है भाई, आई कैप है दोनों, तो भाई सेम यहाँ पे अलोंग सेम डायरेक्शन में, तो आई कैप क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, जो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट होता है वेक्टर का 1 के बराबर हो जाएगा, यूनिट वेक्टर का, ठीक है। तो भाई 10 की पावर माइनस 3 इंटू क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस 3, 3 इंटू 10 की पावर 3 इंटू में 10 की पावर माइनस 3, तो कितना आ गया 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब, ओके ये इसका आंसर है भाई, ओके। अब देखिए सेकेंड पार्ट इसका, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू इट्स प्लेन मैक्स सॉरी द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स 60 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आप ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का ये है हमारे पास, तो जो नॉर्मल है, नॉर्मल जो है भाई एरिया वेक्टर, क्या एरिया वेक्टर 30 डिग्री का सॉरी 60 डिग्री का जो एरिया वेक्टर है यहाँ पे, द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स 60 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस। इसका मतलब क्या है भाई, ये शीट है कोई इस तरीके से शीट है यहाँ पे, और इसका जो ये नॉर्मल है भाई, ये नॉर्मल ये रहा इसका नॉर्मल, ये वाला इस शीट का जो नॉर्मल है, ठीक है, वो क्या है 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। इस शीट को आप ऐसे कर लो इस तरीके से, थोड़ा सा यूं रख लो तो आपको ये पिक्चर समझ में आ जाएगी इस तरीके से, ठीक है। तो ये नॉर्मल इस तरीके से, ये नॉर्मल होगी परपेंडिकुलर, तो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, और इसी डायरेक्शन में क्या दे रखा है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, इसी डायरेक्शन में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। तो फ्लक्स क्या होता है भाई, ई ए कॉस थीटा होता है, यही तो होता है फ्लक्स, क्या होता है ई ए कॉस थीटा। अब ई यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा भाई, आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, तो बचा क्या ओनली 3 इंटू में 10 की पावर 3, और एरिया वेक्टर क्या यूज करोगे आप, एरिया वेक्टर यूज करोगे आप यहाँ पे, इसका मैग्नीट्यूड 10 की पावर माइनस 3, ठीक है। और cos 60 की वैल्यू क्या होती है भाई, cos 60 होता है 1/2, कितना होता है 1/2, तो ये कितना हो गया, कट गया ये तो भाई, ये तो पूरा कट गया, यहाँ पे 3 इंटू में 1/2 कर दोगे तो 1.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब, ओके।
तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, सीबीएसई 13 में भी आया है और 14 में भी, 14 में भी पूछा गया है, सेम सवाल है, बस यहाँ पे 30 का एंगल दे रखा था 14 में, तो डीपीपी में दे रखा है। फिफ्थ क्वेश्चन ट्राई करना डीपीपी से, फिफ्थ क्वेश्चन ट्राई करना, ओके। चलो तो ये तो हो गया लेक्चर इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर। अगला जो लेक्चर होगा वो है गॉसेस लॉ पर, ठीक है, गॉसेस थ्योरम, उसी पे बेस्ड हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को और आगे बढ़ाएंगे। एक एक टॉपिक लेके चल रहा हूं भाई, क्योंकि न्यूमेरिकल भी कवर हो जाए, वरना लास्ट में न्यूमेरिकल कवर कराना बहुत ज्यादा हेक्टिक जॉब हो जाता है, मतलब सर में दर्द हो जाएगा आपके भी और मेरे भी कराने में, राइट। तो हम सोच रहे हैं भाई एक एक टॉपिक अच्छे से कवर करें न्यूमेरिकल समेत, तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ, इसके न्यूमेरिकल्स और भी होंगे, इसके न्यूमेरिकल्स और भी होंगे जब हम अलग अलग जो लाइन चार्ज प्लेन शीट जब एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो वहां पे भी और भी इसके अलग अलग न्यूमेरिकल्स होंगे। फिलहाल तो अभी इतना ही समझ लो जितना भी यहाँ पे कराया गया है, आफ्टर दिस हम इसको आगे और एक्सटेंड करेंगे। तो आज की क्लास यही तक है गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद गॉसेस थ्योरम, गॉसेस लॉ, और उस पर बेस्ड कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना वो पकड़ के लाएंगे, ठीक है ना। डीपीपी 4 को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, टेलीग्राम पे इसका आपको लिंक मिल जाएगा, और मेहनत करते रहो, पढ़ाई करते रहो, डेली कॉन्टिन्यूटी बनाए रखो अपनी, निरंतर प्रैक्टिस करते रहो, और देखो मार्क्स तो यूं झक मार के आपके पीछे आएंगे। चलिए बाय, सी यू।